ज्यादातर लोगों को लगता है कि नन ऑफ के बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा, यानी वे समझते हैं कि नन ऑफ के बाद एक सिंगुलर वर्ब ही लिखा जा सकता है, जबकि ऐसा सोचना सरासर गलत है। नन ऑफ एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के वर्ब का यूज कर सकते हैं। तो फिर आपको सीखना होगा कि कैसे पता चलेगा कि आपको सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना है या प्लूरल। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। नन ऑफ के बाद हम एक सिंगुलर वर्ब का यूज तब करेंगे जब नन ऑफ के बाद आया हुआ नाउन अनकाउंटेबल हो, यानी मैस नाउन हो, जैसे दूध, खून, आटा, बेसन, पानी, यानी ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है। तो अगर नन ऑफ के बाद आया है एक अनकाउंटेबल नाउन तो उसके बाद आने वाला वर्ब होगा सिंगुलर। लेकिन अगर नन ऑफ के बाद एक काउंटेबल नाउन आया हुआ है तो आप वहाँ पर लिखेंगे एक प्लूरल वर्ब। जैसे अगर मुझे कहना हो डॉक्टर्स में से कोई भी काम नहीं कर रहे हैं तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे नन ऑफ डॉक्टर्स आर वर्किंग। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि यहाँ नन ऑफ के बाद मैंने बोला डॉक्टर्स, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा आर, यानी मैं एक प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया। अध्यापकों में से कोई वहाँ मौजूद नहीं थे तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे नन ऑफ टीचर्स वर प्रेजेंट। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि नन ऑफ के बाद आया एक प्लूरल नाउन जो था टीचर्स, इसलिए मैंने लिखा एक प्लूरल वर्ब जो था वर। अगर आपको कहना हो कि मजदूरों में से कोई भी काम नहीं कर रहे थे या कोई भी मजदूर काम नहीं कर रहे थे तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे नन ऑफ लेबरर्स वर वर्किंग, यानी मजदूरों में से कोई भी काम नहीं कर रहे थे। यहाँ नन ऑफ के बाद मैंने बोला एक प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसीलिए यहाँ पर एक प्लूरल वर्ब का यूज हुआ। तो फ्रेंड्स, आपने आप पहला कंसेप्ट समझा कि नन ऑफ के बाद अगर कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो आपका वर्ब प्लूरल होगा, यानी अगर बात है में है तो आप लिखेंगे आर, अगर बात था में है तो आप लिखेंगे वर, और अगर बात रखने की है तो आप लिखेंगे हैव। लेकिन बाय द वे, नन ऑफ के बाद आने वाला नाउन अनकाउंटेबल हो, जैसे अगर आपको कहना हो कि कोई भी चावल बिकी हुई नहीं है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे नन ऑफ राइस इज सोल्ड। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि नन ऑफ के बाद मैंने बोला एक अनकाउंटेबल नाउन जो था राइस, इसीलिए यहाँ पर जो वर्ब यूज हुआ वो था सिंगुलर, यानी मैंने बोला इज। अगर आपको कहना हो कि कोई भी पानी पीने के लायक नहीं है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे नन ऑफ वाटर इज ड्रिंकेबल। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि यहाँ नन ऑफ के बाद मैंने बोला एक अनकाउंटेबल नाउन, इसीलिए यहाँ पर एक सिंगुलर वर्ब आया हुआ है जो है इज। अगर आपको कहना हो कि कोई दूध उबला हुआ नहीं था तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे नन ऑफ मिल्क वॉज बॉइल्ड, यानी कोई भी दूध उबला हुआ नहीं था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नन ऑफ के बाद मैंने बोला एक अनकाउंटेबल नाउन, इसीलिए इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है सिंगुलर, यानी वो है वॉज। बस आपको ये बात याद रखना है कि अगर नन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल काउंटेबल हो तो आप लिखेंगे एक प्लूरल वर्ब, अगर नन ऑफ के बाद आने वाला नाउन अनकाउंटेबल हो तो आप लिखेंगे एक सिंगुलर वर्ब। तो फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।